लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के सामने प्रत्याशी उतार दिया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सीट पर बीजेपी ने जयवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह के कंधों पर बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के गढ़ रहे मैनपुरी में भगवा झंडा लहराने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था, जिसमें बहू डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी सपा की तरफ से उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। ठाकुर जयवीर सिंह अभी मैनपुरी सदर विधानसभा सीट से विधायक, इस सीट पर उन्होंने भाजपा का कमल खिलाया था। अब भाजपा ने उन पर डिंपल को हराने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि लाखों से हराने के लिए बीजेपी ने उन्हें भेजा है। लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो, जो आदमी पहले से कर रहा हो। तो मैं तो चाहता हूँ बीजेपी को अनाउंस कर देना चाहिए उनका। मैं तो ये अपील करता हूँ, अगर उन्होंने मैनपुरी हमारे पत्रकार साथी ने अच्छी जानकारी दी, तो मैं तो आपकी बात से जोड़ता हुआ उनसे कहना चाहूंगा कि जहां से उन्हें सूचना मिली है वहां बता दें कि उनका भी नाम जल्दी अनाउंस कर दो। जी बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में, तो आप इस बारे में क्यों चिंता करते हो, फिर हम सोचेंगे हमें क्या करना है। वहीं मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने भी जयवीर को उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बीजेपी को किसी न किसी को तो प्रत्याशी बनाना ही था। नहीं तो अच्छा है कि बच्चे जाने कि जो पॉलिटिक्स होती है वो इतना इजी नहीं होता है, जैसे कि हमें दिखता है कि बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता राजनीति की बहुत ही अलग है कि जब तक आप ग्रास रूट से कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक आप धरातल पर नहीं उतरेंगे, तब तक पॉलिटिक्स का कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस बात को जानें कि आप कोई भी कार्य करें आपको परिश्रम तो करना ही है। ठाकुर जयवीर सिंह का नाम डिक्लेयर कर दिया है, किस तरीके से देखते हैं आप इस इलेक्शन को? मैं समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग जमीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं, और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि देखा। अपर्णा जी ने कल के इंटरव्यू में बोला है कि मुझसे चाहे कितना भी कहा जाता लेकिन मैं डिंपल जी का बहुत सम्मान है, लेकिन उनके खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ी। मैं भी अपर्णा जी का बहुत सम्मान करती हूँ। बात करें जयवीर की तो ठाकुर जयवीर सिंह के साथ ही उनके परिवार के सदस्य भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनके बेटे अतुल प्रताप सिंह फिरोजाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, बहू अमृता सिंह ब्लॉक प्रमुख हैं, दूसरी बहू हर्षिता अभी फिरोजाबाद के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। परिवार व्यवसाय से जुड़ा है, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, रिजॉर्ट और गाड़ियों का बिजनेस शामिल है। देखना ये होगा कि क्या जयवीर डिंपल को मैनपुरी के रण में पटखनी दे पाएंगे या फिर सपा मैनपुरी का किला बचाने में कामयाब हो जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।